मेरा नाम कमल कुमार है। हरियाणा में एक छोटे से गांव बुडीन से मेंढरगढ़ से बिलोंग करता हूँ। स्टूडेंट हूँ, 9th-10th से चश्मा लगा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, फिर एक दो दिन बाद जैसे तुरंत कभी नहीं बनता था, फिर दिखता नहीं था इतना। क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, पसीने वगैरह आते हैं, यहाँ से ढीला भी हो जाता है। डॉक्टर ने बोला 18 के बाद स्टेबल होएगी आँखें, दिक्कत होती है इसको बार बार लगाओ हटाओ। मेरे दोस्तों ने बताया था I7 के बारे में, एक ने करवाई हुई थी पहले यहाँ से लेजर, तो बोले वहाँ के बेस्ट वो है डॉक्टर, इंडिया के सबसे फेमस। मैंने यूट्यूब पे भी सर्च किया इनके बारे में, कई हॉस्पिटलों में देखा, वहाँ पे थोड़ी इनसिक्योरिटी फील हो रही थी, वही सही होगा भी नहीं होगा जैसे वो बोलते थे। एक दो साल बाद दिक्कत आ जाती है लेजर में, थोड़ी घबराहट तो हो रही है। पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी, क्या होएगा पता नहीं, आँखों में चीरा वगैरह लगेगा क्या। बाद में फिर देख लेटेस्ट मशीन से हो रही है, अब वो रहा है कि भाई हाँ ठीक ही होएगा। तो राहुल सर ने भी बताया कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से पढ़ते पढ़ते हो URS KCH TDFE PZV USR KDT CFE UV PZSRT परफेक्ट। सो विजन तो 6x6 हो गया, अभी और बेटर होगा विजन, 7-10 दिन में परफेक्ट हो जाओगे। चिंता करो मत, मत आगे लगाओ। मेरी कल सिल्क सर्जरी थी, पहले तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा था कि भाई क्या होएगा कैसे होएगा। राहुल सर ने मेरे को बैठाया, काम किया आराम से कि कोई टेंशन नहीं बच्चे, बिल्कुल एकदम पता भी नहीं चलेगा तेरे को। फिर मेरे को सेकंड उसके ऊपर ले जाया गया, सेकंड मशीन के ऊपर। वहाँ भी राहुल सर ने बोला कि कोई टेंशन की बात नहीं है, वहाँ भी 20-25 सेकंड का टाइम लगा। फिर मेरे को सेकंड मशीन से बाहर निकाला, फिर मेरे से राहुल सर ने पूछा कि कैसा एक्सपीरियंस था। मैंने कहा सर पता भी नहीं चला, बिल्कुल एकदम परफेक्ट। I7 हॉस्पिटल जो मेरे को इतना बेटर मतलब ट्रीटमेंट देने के लिए, मैं अपने सिल्क लेजर के डिसीजन से बहुत खुश, स्पेशली फॉर द राहुल सर और ऑल ओवर स्टाफ जिन्होंने मेरे को अच्छे से कोऑपरेट किया और पूरा प्रॉपर बताया समझाया अच्छे से कि भाई ऐसे ऐसे जो भी पूछना वो एक बार समझ में नहीं आता दोबारा बता देते थे। थैंक यू फॉर I7 हॉस्पिटल।